तो गाइस हमारा दूसरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारी लोडिंग एक घंटे में फाइनल हो जाएगी, तो यहाँ से निकलेंगे हम एक घंटा बाद। तो फिर यहाँ से लोड होने के बाद आपको अपडेट मिलती। फिर अभी यहाँ पे एक घंटा लग जाएगा टाइम हमें तिरपाल करके, फिर यहाँ से निकलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, हम जाएंगे कर्नाटक यहाँ से। चलो फिर दूसरा व्लॉग पूरा पूरा देखना ये भी, फिर आगे की अपडेट भी और व्लॉग्स आएंगे बहुत। तो गाइज अपनी गाड़ी की लोडिंग कैंसिल हो चुकी है, अभी हमारी गाड़ी आधी लोड हुई है, आधी सुबह को लोड होगी। थोड़ा माल कम पड़ गया था इसलिए गाड़ी अब सुबह को लोड होगी हमारी। तो फिर अब चलते हैं हम भी सोने के लिए, मिलते कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये अपनी गाड़ी लोड होने वाली है थोड़ी देर में, रात तो लोडिंग नहीं हुई थी क्योंकि माल थोड़ा रह गया था। तो अब यहाँ से थोड़ी देर में लोड करके निकल जाएंगे, और उसमें 20-30 पेटी गिरने के बाद यहाँ से हम गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। फिर आपको रास्ते की अपडेट देते हैं आगे की। तो गाइस गाड़ी लोड हो चुकी है अपनी, अब हम तिरपाल करके यहाँ से निकलते हैं, पट्टे वट्टे डाल के यहाँ से चलते हैं। फिर यहाँ से देखो अभी दिन में निकलते हैं या शाम को निकलेंगे कुछ पता नहीं है अभी। देखो अब तिरपाल करते हैं ज़रा हम। वही गाड़ी जो अपनी लोड हो चुकी है, अब यहाँ से लोड करके हम निकल चुके हैं मंडी से। ये नीचे मंडी है, एंट्री करवा के यहाँ पर चलते हैं आगे। तो तुम्हारा भाई निकल चुका है गाड़ी लेके कर्नाटक की तरफ को। हमारी मंडी होगी, चौथे दिन की हमारी मंडी है। आसू भाई ने बहुत मेहनत करी पेटी गिनने में। तो फिर रास्ते की अपडेट आपको मिलती है। फीलिंग वाला रोड है भाई गजब का, पर थोड़ा टूटा टूटा कहीं कहीं से, इसलिए थोड़ी गदगी वदगी लगती है, नहीं तो मज़ा आता है पहाड़ों में ड्राइव करने का, अलग फीलिंग आती है। तो अब मज़े वाला सफ़र करते हैं हम, मिलते हैं आपको शाम के टाइम में। तो भाई ये यहाँ की चढ़ाई की वजह से देखो गाड़ी का क्या हाल हुआ है। चढ़ाई ये सब चढ़ाई की कहानी है भाई, किसके कुत्ते फेल हो गए चढ़ते थे। ये शाम का टाइम होता हुआ आ रहा है धीरे धीरे, और नज़ारा भी यहाँ का खूबसूरत होता जा रहा है। थोड़ी सी बरसात और हो जाए तो और अच्छा मौसम हो जाएगा यहाँ का, लेकिन पहले गाड़ी बचा लें बाद में आते फिर। तो भाई गाड़ी तो बच गई है, बहुत मुश्किल से गाड़ी बचती है यहाँ पे, इसलिए मैंने कैमरा रोक दिया था। तो हाँ आप देखो आप नज़ारा आसू भाई के साथ, गजब की फीलिंग आती है भाई बारिश में बहुत बढ़े वाली। तो ये हो चुकी है हमें यहाँ पहाड़ों में रात, अभी रात में आज सफ़र कटेगा हमारा 2-3 बजे तक हम पहाड़ों में चलेंगे अभी, और फिर उसके बाद नीचे उतर जाएंगे। अभी यहाँ पे तो बहुत अच्छा रोड है, आगे जाके बहुत टूटा हुआ रोड आएगा दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। ये रोड बनाया है 15-16 किलोमीटर का रोड है ये, ऐसा बहुत बढ़िया वाला रोड है, अच्छा सफ़र कटता है इस पर, VIP रोड बना है जिसे कहते हैं, लेकिन ये भी कई सालों में जाके बना है। पहले यहाँ पे इतने खल्ले होते थे गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती थी, यहाँ पे सारी चढ़ाई इसी रोड पे थी, वो ख़त्म कर दी सब। अब ये बनाया है रोड बिल्कुल पानी। तो गाइस ये है वो रोड जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इस पर 30 किलोमीटर का सफ़र और सारी पहाड़ियों का सफ़र बराबर का टाइम लगता है।
बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत थक के जा पड़ता है इंसान गाड़ी चलाते चलाते। यहाँ पे ज़्यादा ख़राब रोड है यार, बिल्कुल कंधे भी दुखा कर रख देता है ये। आज भाई फिर भी तैनात ही बैठे खल्लों में, भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो पहाड़ियों के लास्ट में मिलते हैं जहाँ पे ख़त्म होती हैं पहाड़ी। तो भाई हम पहाड़ों से उतर चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं विकास नगर। अभी हम वहाँ से 10-11 घंटे में नीचे आ गए, पूरे पहाड़ क्रॉस कर दिए। तुम्हारे भाई ने रास्ते में 3 स्टॉप लिए थे, टायर ठंडे करने के लिए, लेदर पैदर गर्म हो जाते हैं। तो अब अपना प्लान का सफ़र रहेगा वहीं तक, फिर मिलते रहते हैं आपसे रास्ते में। ये विकास नगर से पीछे की तरफ आगे जाओगे तो पहाड़ी शुरू हो जाती है। अब हम उन्हें क्रॉस करके आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं मेरठ, अपना शहर। तो अभी अभी सो के उठा हूँ मैं, रात से आज सुबह ट्रैप कर रहे थे, तो अभी 2-1 घंटे सोने को और मूड है, इसलिए चल कर सोते हैं। फिर आपसे मिलते हैं आगे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर। ये अपना मेरठ से दिल्ली वाला हाईवे है, इस पर हम KMP पे उतरेंगे, वहाँ से फिर दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं वहीं पे चल कर। तो ये हम आ चुके हैं दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस में, ये उधर जाके चढ़ जाएंगे हम सामने, इसके नीचे को घूम कर। ये नीचे वो है उधर का कौन सा ही बोलती है, भोसड़ी के को नीचे वाले को, वो नीचे वाला हाईवे था मानेसर वाला जो पलवल से आता है। तो अभी हम यहाँ से दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चढ़ रहे हैं। अभी तो इस पर 3-4 किलोमीटर नीचे घूमना पड़ जाओ। ये भाई उधर से चढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ। आ गया है दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे। तो भाई इस जगह को देखो और बताओ ये जगह कहाँ पे है। इस जगह का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। पहचानो कौन सी जगह है, कहाँ पे टनल है। ग्रीन बोर्ड और आप इस पे देख के बताओ कौन सी जगह का है, बताओ कौन सी जगह की टनल है। तो भाई फिर से तुम्हारा भाई दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ। ये हम यहाँ से चढ़े हैं झालावाड़ के पास से, रामगंज मंडी के पास से, झालावाड़ रामगंज मंडी। तो ये हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं रोड के, वो उधर टोल टैक्स है रोड का। ये भी चालू हो गया यहाँ से, ये दाहोद तक चालू हो चुका है। ये इधर आगे की तरफ चालू हो चुका है दाहोद तक। भाई यहाँ से ये शुरू होता है, ये हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर।
बिल्कुल खाली रोड मिलेगा, बिल्कुल सुनसान, कोई गाड़ी नहीं। एक गाड़ी जा रही है आगे, वो और हमारी गाड़ी चलती हुई दिखेगी इस रोड पर, और बाकी किसी की गाड़ी नहीं दिखेगी। देखो लाइट कैसी लग रही है आज तुम्हारी भाई की गड्डी की, बताओ लाइटों को देख के कैसी लगी चलती हुई। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, और तुम्हारे भाई ने पूरी रात में यहाँ पे दिल्ली बॉम्बे वाले एक्सप्रेस वे पे स्टॉप लिया है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए एक स्टॉप ले लेना चाहिए, क्यों सारी रात में गाड़ी चला के आंखों में भी थोड़ी नींद सी आ जाती है। तो अब यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके हम उतरेंगे रतलाम वाले कट से नीचे। तो अभी मुझे 10-15 मिनट हो गए हैं खड़े हुए, तो अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर मिलेंगे आगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, आज सुबह अभी सो रहे हैं। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ये दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे से हम नीचे उतर चुके हैं नीमच टू इंदौर वाले रोड पे। ये आ चुका है नीमच टू इंदौर वाला रोड, दिल्ली बॉम्बे छोड़ चुके हैं हम। तो यहाँ से हमें जाना है अब दुलिया वाले रोड पे जाना है इस रोड से। तो ये आ चुके हैं हम दुलिया वाले रोड पे, और सुबह ही गाड़ी चला रहे हैं, मैं जा रहा हूँ सोना। और ये आ चुका है अपना गुजरी घाट, आज सुबह ही गाड़ी चला रहे हैं, हम जा रहे हैं सोने के लिए। अब हमारी आँख खुलेंगी अब रात के टाइम किसी टाइम में। और ये तुम्हारा भाई पहुंच चुका है जो चौक वहाँ से औरंगाबाद पर रोड जाता है। ये सिंगल रोड पे चलना पड़ेगा मुझे जब तक औरंगाबाद पार नहीं हो जाता, ये सिल रोड वाला थोड़ा फोर लाइन रोड पड़ेगा। तो अभी हमारा सफ़र जो है काफ़ी रह रहा है, इसलिए सुबह को सवेरा पहुँच नहीं पाएंगे, कल दोपहर को पहुँचेंगे हम वहाँ पर। और देखते हैं रास्ते की पोजीशन। ये हम आ चुके हैं सिल्लोड से जो रोड जाता है जालना, और यहाँ पे मैं चल चुका हूँ इस रोड पे 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी ना ही आगे से ना ही पीछे से कोई गाड़ी नहीं मिली है अभी तक, और यहाँ से हाईवे रोड रह रहा है 84 किलोमीटर। अभी यहाँ से खींच के निकलना पड़ेगा। अभी एक गाड़ी सामने से देखी आती हुई, नहीं तो सारी गाड़ियाँ होटलों पे लगा के खड़ी करके सो रहे हैं सभी। तो अभी मैं 1-1.5 घंटे में हाईवे पे चढ़ जाऊँगा सोलापुर वाले रोड पर। ये आ चुका है सोलापुर वाला रोड, ये सिंगल रोड जो है ख़त्म हो चुका है, और ये जो गाड़ियाँ सामने जा रही हैं ये भाई लोग यहाँ पे मिले हैं, ये हमारी रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे भीड़ के। ये मेरे साथ साथ मारे हैं 15-20 किलोमीटर पीछे से। अरे यार हाईवे पे चढ़ते टाइम भी खट्टा। ये भाई सोलापुर का रेट्रो, बारिश भी नहीं पड़ रही और ये किन किन सी होती जा रही है, बस परेशान कर दिया। खाली रोड ही लगा रखा है। इस बोर्ड को देख के पहचानो कौन कौन इस जगह को जानता है। तो भाई लोग अभी हमने होटल पर गाड़ी खड़ी कर दी थी सुबह के टाइम, माल का सारा था, तो अभी वहाँ से आज सुबह ही गाड़ी लेके चले हैं। अभी हम भीड़ पहुँच चुके हैं, भीड़ वाला घाट आने वाला है। तो अभी हमारा सफ़र रह चुका है यहाँ से 450 किलोमीटर के तकरीबन सफ़र रह चुका है।
शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये अपना भीड़ वाला घाट की चढ़ाई चल रही है। ये गाड़ी ऐठी पड़ी है उस्ताद खेल के। तो यहाँ से नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है सुबह सुबह। बहुत प्यारी हवा चल रही है यहाँ पे, मौसम भी अच्छा हो रहा है। बस बारिश की देरी है, घटा पूरी हो रही है। कूल कूल हवा लग रही भाई, मजा आ रहा है। हमारे वहां पे गर्मी है लेकिन यहाँ पे गर्मी नहीं है बिल्कुल। यहाँ से और गजब लग रहा है भाई, गजब का सीन है, फोटो खींचने लायक है। हाँ तो भाई ये जो है अपना सोलापुर का बाईपास आ चुका है, आने दो जी लेफ्ट साइड को। तो हम अभी इसके बाईपास के ऊपर चढ़ेंगे तो सोलापुर पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मौसम बहुत अच्छा है इधर का भाई, गर्मी नहीं लगी कई दिन से, टेंशन फ्री है बिल्कुल। कभी बारिश धूप तो थोड़ी बोली निकल जाती है कभी कभार, बाकी भाई पूरा मजा आ रहा। गर्मी तो लगी ना अभी, जिस दिन से अपना एरिया पार करा भैया, वहाँ तो इतनी गर्मी बहुत ज्यादा, जो आदमी सुध के ना रहे वहाँ। हम शरीफ हैं, हम लोग बाहर रहते हैं तो इसलिए उधर गर्मी रहती है। तो भाई लोग हम जो है कर्नाटक में एंटर हो चुके हैं, वेलकम टू कर्नाटक। तो अभी हमारा सफ़र यहाँ से 130 किलोमीटर रह चुका है, तो अभी हम पहुँच जाएंगे 8-10 बजे तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे और फिर मिलते हैं। तो भाई लोग हम जो है बेंगलोर वाला रोड छोड़ के अपने तालीकोटी वाले रोड पर आ चुके हैं, जहाँ पे हमारी गाड़ी खाली होएगी। ये लाइट देख सकते हैं आप, VIP वाली लाइट है, ये बहुत दूर से मंगाई गई लाइट है। आंसू भाई ले गए कुछ जाकर, रंग बिरंगी जलती है ये, देखो देख लिया भी। चलो बस अब मंडी में मिलेंगे। तो भाई लोग हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी खाली होगी। यहाँ का जगह का नाम है कर्नाटक में तालीकोटी। तो अभी हम जाएंगे खाना खाने के लिए, फिर आके सोएंगे, सुबह गाड़ी खाली होगी। फिर हमारा व्लॉग का एंड होता है यहाँ पे। तो अभी इधर से क्या माल लोडिंग करेंगे वो आपको बताएंगे व्लॉग में। इधर से शायद फास्ट मंडी का माल लोडिंग होगा हमारी गाड़ी में, सुबह को हमारी गाड़ी यहाँ पर खाली होगी। तो फिर चलो मिलते दूसरे व्लॉग में, मिलते, लव यू, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।